हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले एक बहुत अमेजिंग ग्लिटरी आई मेकअप ट्यूटोरियल एंड ऑल्सो वेरी वेरी सटल बेस, जो आजकल पार्टीज और वेडिंग सीजन है तो आप ये लुक जरूर रिक्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाई यूजिंग हुडा ब्यूटी फॉक्स फिल्टर वनीला स्वर्ल कंसीलर। आप देख सकते हैं मैंने अंडर आईज पे अच्छे से कंसीलिंग कर दी है। एंड नॉट टू मिस आउट कि हमने इससे पहले सारी सेटिंग ओसी ग्लो से ऑलरेडी कर दी है, विच इज माई फेवरेट ब्रांड, और हर बार ओसी ग्लो से मैं फेस की मॉइस्चराइजिंग अंडर आई सेटिंग यूज करती हूँ। तो इसके बाद हमने जो वनीला स्वर्ल कंसीलर यूज किया है ऑल ओवर द फेस, आप देख सकते मैं इसे एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सिमिलरली आपको अदर साइड ऑफ द फेस, अंडर आईज और कोई भी डार्कर शेड एरियाज या कोई भी पिगमेंटेशन या पिंपल्स हो तो आप उस पर ये कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं, और कंसीलर विल गिव यू वेरी गुड कवरेज। ये वन ऑफ द मोस्ट यूज कंसीलर है मेरा, क्योंकि इससे कवरेज बहुत अमेजिंग मिलती है। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यूज करने वाली हूँ लिक्विड ब्लश, और जो मेरा फेवरेट लिक्विड ब्लश है मैं वही यूज कर रही हूँ यहाँ पे, विच इज द रेयर ब्यूटी का ब्लश। रेयर ब्यूटी के ब्लश के सारे ही शेड्स बहुत ज़्यादा अल्टीमेट हैं और बहुत अच्छी कवरेज और बहुत अच्छी फिनिशिंग देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा नोज पे भी अप्लाई किया है और चीक्स पे अप्लाई किया है, तो ये जो ग्लो है बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट ग्लो दे रहा है। तो रेयर ब्यूटी का लिक्विड ब्लशर इज़ ऑलवेज अ येस फ्रॉम माय साइड। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रोडक्ट है और दिस इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग फॉर। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ लॉरा मर्सियर का लूज पाउडर। आप देख सकते हैं ये मेकअप है विदाउट यूजिंग एनी फाउंडेशन गाइज। येस, ऑलरेडी क्लाइंट की स्किन काफ़ी फ्लॉलेस थी तो हमें यहाँ पे फाउंडेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वी जस्ट यूज द कंसीलर और हमारा मेकअप इज़ गुड टू गो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक क्लाइंट के उतनी ही लेयरिंग करेंगे, जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ हम फाउंडेशन स्किप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं किया और कंसीलर से ही सब काम हो गया। सो अब मैं पैक कर चुकी हूँ सारे मेकअप को, इसके बाद बारी है आई मेकअप को स्टार्ट करने की। आई मेकअप के लिए मैंने यूज़ किया है पी लाउसे की आई शेडो पैलेट, और इसमें एक सटल सा शेड पिक किया, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं स्मोक आउट कर रही हूँ आईज़ को, तो थोड़ा सा मैंने शिमरी सा शेड उठाया जिसमें लिटिल बिट ऑफ पार्टिकल्स, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, जिससे आईज़ थोड़ी सी शाइनी और ग्लिटरी लग रही हैं। नॉट टू मच बट थोड़ी सी ग्लिटरी लग रही हैं। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ रीकोड का लिक्विड कलर आई लाइनर। आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर कितना ज़्यादा इंटेंस है और पूरे मेकअप में दिस विल बी द पॉपअप कलर। सो या तो आप पूरे मेकअप में लिप्स बहुत ज़्यादा पॉपअप कर सकते हैं और आईज सटल रख सकते हैं, और अगर आप आईज पॉप आउट करवाना चाहते हैं तो आप लिप्स सटल रख सकते हैं। तो जिस तरह से हमारे पूरे मेकअप में देयर शुड बी वन थिंग जो हमारा मेन हाईलाइट है मेकअप का, सो इस तरह से हमने आईज पे अप्लाई किया है रीकोड का कलर लाइनर। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटिफुल लग रहा है। After this, I am going to use MAC Soft and Gentle Highlighter on the highlighting points. मैंने अच्छे से cheeks पे highlighting दी है, थोड़ी सी nose पे भी, और bridge of the nose and chin also. आप देख सकते हैं कितना सुंदर highlighting का glow आ रहा है face पे. This is looking very nice. इसके बाद मैं use करने वाली हूँ इंदिरा कॉस्मेटिक की glitter eyeliner. और आप देख सकते हैं आईलाइनर के सूख जाने के बाद मैंने उसके ठीक ऊपर ग्लिटरी आईलाइनर अप्लाई किया है टू मेक इट लिटिल सॉफ्टर, और अब आप देख सकते हैं कि वो ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पॉप आउट भी नहीं कर रहा है, वो ब्लू कलर के साथ काफ़ी अच्छे से मर्ज हो रहा है। अब बारी है कॉन्टोअर की। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का हुला ब्रॉन्जर पैलेट। अब मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स जहाँ पे भी मुझे ब्रॉन्जिंग करनी है, जहाँ पे भी मुझे थोड़ा कॉन्टोअर चाहिए ताकि शेडोज वापस आ जाए फेस की, आप देख सकते हैं चिन पे मैंने काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिया है, जिससे हमारी चिन बहुत शार्प लगती है एंड कोई भी डबल चिन है तो वो रिमूव हो जाती है हमारे विद द हेल्प ऑफ कॉन्टोअर। इसी तरह से हम नोज़ पे भी कॉन्टोअर कर रहे हैं एंड आई एम डूइंग लिटिल बिट ऑफ कॉन्टोअर ऑन द चीक्स ऑल्सो। इसके बाद मैं करने वाली हूँ आई लैशेज। सो सबसे पहले हम आई लैशेज अप्लाई करेंगे। फेक लैशेज जो मैं आज अप्लाई कर रही हूँ वो है बाई यूरो पैरिस। यूरो पैरिस का नंबर 5 आई लैशेज आज मैंने लगाया है। इसके बाद अच्छे से आई लैश कर्लर की हेल्प से आई लैशेज को कर्ल करें, सो दैट वो जो फेक लैशेज है वो अपने लैशेज के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। सो फाइनली मैंने दोनों आईज पर आई लैशेज अप्लाई कर दिए हैं। इसके बाद बारी है अब हमारे
लिप्स को कंप्लीट करने की। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग अ लिप पेंसिल, और मैं यहाँ पे अपनी फेवरेट लिप पेंसिल यूज कर रही हूँ, जो और भी बहुत सारी वीडियोस में आई हैव शोन यू। ये है मैक की सोर स्पाइस पेंसिल, और दिस इज अमेजिंग पेंसिल, और ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पेंसिल है। और आप देख सकते हैं इसके बाद जो मैं यूज कर रही हूँ वो है रिकोड की लिप पेंसिल। तो यहाँ मैंने दो लिप पेंसिल्स के यूज से आई हैव डन द लिप्स, यानी कि मैक की सोर स्पाइस लिप पेंसिल और रिकोड की लिप पेंसिल से आई हैव डन द लिप्स कंप्लीट। You can see it's looking amazing. Once the lips are complete, अब बारी है under eye work की। आप देख सकते हैं under eye पे मैं थोड़ा सा eye shadow लेके उसे अच्छे से smoke out कर दूंगी, so that थोड़ा smoke out सा effect आए under eyes पे भी। Once you do the upper eye portion, तो वो lower lashes हैं, जो lower lash line है या जो lower eyelid है, वो काफ़ी raw लगता है अगर आप उसे complete ना करें। तो हमेशा कोई ना कोई आई शेडो यूज़ करें उसे थोड़ा सा पाउडरी इफेक्ट देने के लिए, ताकि थोड़ा सा स्मोक आउट हो जाए। इसके बाद जो मस्कारा मैं आज यूज़ कर रही हूँ वो है मैक का मस्कारा। आप देख सकते हैं मैंने लोअर लैशेस पे भी मस्कारा लगाया है, एंड लुक एट द डिफरेंस राइट देयर। दोनों आईज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। वंस द मस्कारा इज कम्प्लीट, आप देख सकते हैं आईज बिल्कुल पॉप आउट हो रही हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं आईब्रोज को कम्प्लीट। आईब्रोज के नीचे अच्छे से हाईलाइटिंग करें, एंड आईज़ के इनर कॉर्नर में भी ये हाईलाइटर ज़रूर यूज़ करें, सो दैट थोड़ा जो इफेक्ट है हाईलाइटिंग का वो और सुंदर लगे। आप देख सकते हैं कि आईज़ पे हाईलाइटिंग होने के बाद कितना सुंदर इफेक्ट आ रहा है। एंड डोंट मिस द नेक गाइज, आप जब भी मेकअप कर रहे हैं हमेशा नेक बेस साथ के साथ कंप्लीट करें, सो दैट मेकअप शुड लुक कम्प्लीटली फिनिश्ड। जो नेक है आपको बिल्कुल सेपरेटली लगती है अगर आप अच्छे से उसे पूरा नहीं करते, एंड समटाइम्स यू मिस आउट अगर आप अपने मेकअप के स्टेप्स में स्टेप को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आप ये स्टेप या तो भूल जाएंगे या मिस आउट कर देंगे, विच विल नॉट लुक गुड इवेंचुअली। तो हमेशा नेक बेस बहुत सटल रखें, हमेशा अपने फेस टोन के हिसाब से नेक बेस को अच्छे से मैच करें। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में यूज़ किए हैं स्टोन, एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग सा मेकअप हुआ है। डू ट्राई दिस गाइज, एंड इफ़ यू डू इट डू लेट मी नो कि आपका मेकअप कैसा हुआ और आपको ये मेकअप कैसा लगा, ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए। सो आई सी यू इन अनदर वीडियो, बाय गाइज।